नमस्कार। आज की शाम दूरदर्शन चंडीगढ़ में उपस्थित सभी दर्शकों और नॉर्थ जोन के जाने माने कवियों की एक महफिल है, जहां पंजाबी, डोगरी, हिंदी और उर्दू के कवि तशरीफ लाए हैं। इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर नसीब सिंह मनहास से अनुरोध है कि आज के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर का स्वागत करें। प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन और प्रोफेसर डॉक्टर आत्मजीत सिंह, साथ में पंजाब हरियाणा के वरिष्ठ एडवोकेट एस एस तूर साहब और के शारदा साहब। अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जी व कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर आत्मजीत सिंह जी से अनुरोध है कि आए हुए कवियों का फूलमाला पहनाकर मान बढ़ाएं। डोगरी के साहित्य अकादमी के अवार्डी प्रकाश प्रेमी जी, सिराज पैकर साहब उर्दू के बेहतरीन शायर, शिवदेव सुशील डोगरी के साहित्य अकादमी के अवार्डी, शमश तबरेजी साहब, आत्मजीत सिंह सर, माधव कौशिक जी केंद्रीय साहित्य अकादमी के वाइस चेयरमैन भी बिना संघर्ष के चुनेंगे, मोहन सिंह जी बेहतरीन आर्टिस्ट नाटककार डोगरी के, चंडीगढ़ नहीं पूरे पंजाब हरियाणा का गौरव डॉक्टर चंद्र त्रिखा, पूर्व आईएएस और डोगरी के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राइटर दर्शनदर्शी, हरियाणा सरकार की वरिष्ठतम अधिकारी आईएएस ऑफिसर, लेकिन आज पोइट के तौर पर मैम धीरा खंडेलवाल, हमारे लोची साहब त्रिलोचन लोची पंजाबी के बेहतरीन शायर, शबनम मैम रुबीना शबनम, श्याम सिंह का पता है कि 2020-45 सी ए श्याम सिंह जी, और सुशील दोसांझ ए पंजाबी दे बहुत अच्छे लेखक, जर्नलिस्ट, पत्रकार, और मैम सुखविंदर अमृत बटल साहब, रविंद्र सिंह बटल साहब पंजाबी दे बेहतरीन शायर, नादिर साहब अशोक नादिर, रविंद्र शौक साहब उर्दू के शायर, और सुरेंद्र बंसल बड़े कमाल शायर। अब हम डॉक्टर नसीब सिंह मनहास जी, जो कि खुद एक राष्ट्रीय स्तर के लेखक हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि इस यादगार मुशायरे का वो खुद संचालन करें। डॉक्टर नसीब सिंह, दूरदर्शन चंडीगढ़ का जो पहला एक मौका है, जो ये हमारे उत्तरी क्षेत्र की जो भाषाएं हैं, हर भाषा अपने आप में एक खास मुकाम रखती है, हर क्षेत्र की भाषा बदलती है, बदलती क्या चीज़ नहीं है, ख्याल नहीं बदलते, आईडी वही रहते हैं, रिश्ते नहीं बदलते। इस समय दूरदर्शन चंडीगढ़ आपसे दर्शकों रूबरू हो रहा है, लाइव हो रहा है, इस समय कहते हैं कि कवि सम्मेलन सुनने लोग नहीं आते, आप कैमरा आपको दिखाएगा, कैमरा प्लीज़ वहाँ देखिए कितने लोग आए हुए हैं, और एक से एक बेहतरीन श्रोता हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमारा स्टूडियो खचा खच भरा हुआ है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दर्शकों का, बहुत बड़ा ये आपने आके अपना ही नहीं, हमारा ही नहीं, सभी का, ये उत्तरी भारत के जो कला संस्कृति और साहित्यकारों का मान बढ़ाया है। अगला जो शायर वो आ रहा है वो शौक नाम से है, रविंद्र शौक। अब शौक उर्दू की शायरी में क्या क्या शौक फरमाते हैं, आप देखते हैं ज़रा इनका मंच पे आके। आपका स्वागत है रविंद्र शौक साहब। आगाज़ कर रहा हूँ एक मतलब एक शेर से, क्या बात, गज़ल का जब कभी करते हैं हम आगाज़ कागज़ पर, गज़ल का जब कभी करते हैं हम आगाज़ कागज़ पर, उतर आते हैं सब उस शख्स के अंदाज कागज़ पर, और हमारी कोशिशें हैं सिर्फ हाथों में कलम लेना, हमारी कोशिशें हैं सिर्फ हाथों में कलम लेना,
خدا خود بخش دیتا ہے ہمیں الفاظ کاغذ پر. ہماری کوششیں ہیں صرف ہاتھوں میں قلم لینا، خدا خود بخش دیتا ہے ہمیں الفاظ کاغذ پر. ایک مطلع دو تین شعر اور دیکھیے. قصور اس میں میرا کیا ہے اگر ایسا نہیں لگتا، قصور اس میں میرا کیا ہے اگر ایسا نہیں لگتا، سوا اس کے کوئی چہرہ مجھے چہرہ نہیں لگتا. قصور اس میں میرا کیا ہے اگر ایسا نہیں لگتا، سوا اس کے کوئی چہرہ مجھے چہرہ نہیں لگتا. نہ ہو جس میں ذرا سا بھی خیال اس شخص کا شامل، وہ پورا ہو بھی جائے شعر تو پورا نہیں لگتا. نہ ہو جس میں ذرا سا بھی خیال اس شخص کا شامل، وہ پورا ہو بھی جائے شعر تو پورا نہیں لگتا. اور حقیقت ہے کہ اس سے شوق دنیا جیت سکتے ہو، حقیقت ہے کہ اس سے شوق دنیا جیت سکتے ہو، زبان رکھنے میں شیریں ایک بھی پیسہ نہیں لگتا. اور ایک مختصر سی غزل مطلب دیکھیے کہ تمہارا مسکرا کر وہ ہمارے روبرو ہونا، تمہارا مسکرا کر وہ ہمارے روبرو ہونا، پھر اس کے بعد ہم کو زندگی کی آرزو ہونا. اور یہ شعر دیکھیے کہ کہیں کوئی نہ کوئی خاص منظر چھوٹ جاتا ہے، کہیں کوئی نہ کوئی خاص منظر چھوٹ جاتا ہے، بڑا مشکل ہے خود کا آئینے میں ہو بہو ہونا. کہیں کوئی نہ کوئی خاص منظر چھوٹ جاتا ہے، بڑا مشکل ہے خود کا آئینے میں ہو بہو ہونا. اور تمہارا کام ہے گر آزمانا عشق میں ہم کو، تمہارا کام ہے گر آزمانا عشق میں ہم کو، ہمارا کام ہے ہر امتحان میں سرخرو ہونا. اور تمہارے عشق میں ایسے مناظر روز دیکھے ہیں، تمہارے عشق میں ایسے مناظر روز دیکھے ہیں، نظر آنا نہ خود اپنا تمہارا چار سو ہونا. اور مقترض کر رہا ہوں کہ کہانی آج کل ہر آدمی کی شوق ہے یہی، کہانی آج کل ہر آدمی کی شوق ہے یہی، چمکتے جسم رکھنا روحیں بے وضو ہونا. چمکتے جسم رکھنا اور روحیں بے وضو ہونا. اور کہیں کوئی نہ کوئی خاص منظر چھوٹ جاتا ہے، بڑا مشکل ہے خود کا آئینے میں ہو بہو. شاعر ایک سے ایک بڑھیا ہیں، اور ہمارے بیچ میں جو درشک ہیں وہ بھی ایک سے ایک بڑھیا ہیں، سوجھ رکھتے ہیں، سارے بدھی جیوی ہیں. پروفیسر سوگے وردھن کی، کیونکہ ان کی اس سمے پورے اتر کھیتر میں ان کی جو ایک ذمہ داریاں ہیں کافی ہیں، وہ انہوں نے آئے ہمارا مان بڑھایا، تو اور بھی ویستا ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں دو شبد منچ پہ آ کے تھوڑا سا کہیں گے بیچ مشاعرے کے بیچ میں آپ کو کر کے، پھر اس کے بعد پروفیسر سواگی وردھن، ڈائریکٹر نارتھ زون کلچرل سینٹر. آپ سبھی کو میرا نمسکار. ویسے گانے والا ہوں لیکن گلے کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں. 7 فروری کو جوائن کیا ایز ڈائریکٹر، اس کے بعد لگاتار گھومنا ہو رہا ہے، اور شکر گزار ہوں منہ صاحب کا جنہوں نے مجھے آج اس لائق سمجھا کہ میں اس محفل میں آ سکوں. کچھ چیزیں میں ضرور کہنا چاہوں گا. اپنے پتا سے ایک بات سیکھی ہے کہ جو ارادہ ہو مکمل ہو وہی شان تیری، ورنہ مردوں کی طرح جینے میں کیا رکھا ہے. اور تو کمر کس، تیرے قدموں میں پڑی ہے جنت، ارے اب تو ہوش میں کیا طور بنا رکھا ہے. اور چوٹ جب دکھتی ہے دو آنسو چھلک آتے ہیں، ویسے تو درد میرے دل میں پڑا رہتا ہے. اور مجھ کو ہے ہوش کہاں اتنا کہ اس کی سن لوں، ایسی بے ہوشی میں ایک چین بڑا رہتا ہے. جو ارادہ ہو مکمل ہو. اور ایک پہیا ہے جو پٹری پہ لڑکتا رہتا، ایک پہیا ہے جو پٹری پہ لڑکتا رہتا، اور ایک وہ ہے جو نئی راہ بنا لیتا ہے. ایک پہیا ہے جو پٹری پہ لڑکتا رہتا، ایک وہ ہے جو نئی راہ بنا لیتا ہے، ایک وہ ہے کہ کبھی ملتے نہیں جس کے مزاج، ایک وہ ہے کہ کبھی ملتے نہیں جس کے مزاج، اور ایک وہ ہے جو روٹھوں کو منا لیتا ہے. جو ارادہ. بہت بہت شکریہ.
इसके बाद डोगरी के जो महाकाव्य लिखने वाले पहले कवि हैं, जो साहित्य अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं, प्रकाश प्रेमी जी। प्रकाश प्रेमी जी, अपना प्रकाश भी डालिए और अपना प्रेम का इजहार भी करिए आके। प्रकाश प्रेमी जी, मैं आना है परती। कर्ण अंगर कवच कुंडल दी विरासत लेइया आया हा मैं। कर्ण अंगर कवच कुंडल दी विरासत लेइया आया हा मैं, राह विच बैठे दे आश्वासने लारे दे इंदर। राह विच बैठे दे आश्वासने लारे दे इंदर, बनी मंगते ममता दियां देई सुगंधी, मेरे दान दी तारीफें दे पुल बन दे। बार गुज्जे नित करी मेरी बेबसियां दा मेरे ते अस्तर बनाई, बिच चुरस्तै लुट्टी पुट्टी गे देन सुट्टी। करन गै जानदा कुंती नहीं, करन गै जानदा कुंती नहीं, करन दे मन दी वेदना जो राधे ये बन गया कौंते ये बनते बनते। करन गै जानदा कुंती नहीं, करन दे मन दी वेदना जो राधे ही बन गया कौंते ही बनते बनते। मेरे सच अहिंसा प्रेम त्याग दिया सारिया कंधा ते गई मेरे दिखदे दिखदे, तुंदे झूठ हिंसा घृणा लोभ दा पाठ सिखदे सिखदे। कंधे दे थल्ले पाले दे बिसले नाग उंदे, कंधे दे थल्ले पाले दे बिसले नाग उंदे, दुशासन दी हत्थें दी उंगली जन लप लप लैंदे जीबा डंगी गे विरासत ने मेरी। आस मेरी सभा दे विच नगन हुंदी द्रौपदी जन, आस मेरी सभा दे विच नगन हुंदी द्रौपदी जन, चढ़दी या चौसरें पर समय दे युधिष्ठिर दे हत्थें। आस मेरी सभा दे विच नगन हुंदी द्रौपदी जन, चढ़दी या चौसरें पर समय दे युधिष्ठिर दे हत्थें, अन्ने दी संतान दे अग्गे व्यर्थ रोंदी ते कलपांदी। मेरा साहस मेरा हौसला अभिमन्यु जन, मेरा साहस मेरा हौसला अभिमन्यु जन, तो खे छले कपटे लोभे बेईमानिए मक्कारियां दे हवाले घुटाले बिस्किरे दा। मेद नहीं जे बाहर आवै चक्रव्यूह दे चक्करें चा, पर मेरे कवच कुंडल मेरी लुटो दी लाज, मेरा साहस हौसला मेरा मोह लोभ ने गच छल कपट दे शकुनियां दे हत्था। जदू भी कदे औग परती तो मेरी समाध उपर चाड़ी ये फुल उसने मेद करियो, मैं आना है परती, मैं आना है परती, मैं आना है परती। अगला जो शायर है, शायर इसलिए हट के है, कहते जहाँ ना पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि। बड़ा एक छोटी सी बात है, आम लोग बोलते हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बारीकी वाली बात है। हट के होता है कवि, आईएएस तो बहुत हैं, उच्च अधिकारी होंगे, लेकिन धीरा खंडेलवाल इसलिए यहाँ आई हैं, वो एक शायरा हैं, वो उनकी कलम चलती है, उनके अंदर का कवि उनको अलग करता है लोगों से, ब्यूरोक्रेट से अलग करता है। हरियाणा सरकार की सबसे वरिष्ठ जो इस समय आईएएस अफसर हैं, लेकिन वो कलम देखिए इनकी, अब कलम भी हटके है, कमाल है। स्वागत मैम। कुछ बातें अक्सर मुझसे रूठ जाती हैं, ठिठक कर दूर किसी कोने में गुम हो जाती हैं। कभी तकिए के नीचे सुबकती, अलमारी में कपड़ों के बीच छुपकर मुझे बेहद सताती हैं। कुछ बातें अक्सर मुझसे रूठ जाती हैं। फूलों की पंखुरियों बीच खुशबू सी खो जाती हैं, झुरमुट में चिड़िया बनकर चिढ़ाती हैं। कुछ बातें अक्सर मुझसे रूठ जाती हैं। कभी मेज की दराज में नाराज बैठ जाती हैं और हल्के से ये बताती हैं कि किस कारण मुझसे वो रूठ जाती हैं। पसंद नहीं आता उनको मेरा बात से बात बढ़ाकर बात निकाल लाना, बात बात में बात कह जाना,
बात बात में बदल जाना, बातों ही बातों में दिल पर छा जाना, इतराना वादा करना फिर बातों को भूल जाना। इतनी सी बात पर रूठ जाती हैं बातें, कैसे बताऊं उन्हें कि हमें मनाना नहीं आता, बातें बनाना नहीं आता। एक ये कविता है जिसमें जो महिलाओं के प्रतीक चिन्ह हैं, जिनको हमने कोमलता से हटा करके एक सक्षमता और सबलता से जोड़ा है। जीत से डर लगता है, जीत से डर लगता है, लगता है क्षण की खुशी को रोक लूं स्टैचू कह के, लगता है क्षण की खुशी को रोक लूं स्टैचू कह के, कैद में डाल दूं दिल के तहखाने में, भावनाओं के पिंजरे में रखूं झलक पाने को, एक सुंदर सा संदूक बनवाऊं, सजा दूं सफलता के पट को परत दर परत, ऊपर से उड़ा के मेहनत की चुनरी, खुशी का ताला मार के चाबी कमरबंद में कस लूं, खुशी का ताला मार के चाबी कमरबंद में कस लूं, मेरी चाल में आ जाए फिर वो ठसक कि कुछ बताने की जरूरत ही ना पड़े और तुम समझ लो मेरी अना के उछाल को, और तुम समझ लो मेरी अना के उछाल को। पर नारी हूं ना, हर तरफ से जीवन आरी है, कोई पद्म पंखुरी मेरे दर्द से नहीं झरती, कोई पद्म पंखुरी मेरे दर्द से नहीं झरती, इंसानी भावनाओं की कड़ाही मेरे उच्छ्वास से नहीं उफनती, कोई पत्थर मेरे नश्तर नहीं कुचलता, मेरी जीत का जश्न मनाने को कोई हम नस्ली हाथ नहीं बढ़ता, पर अब मुझे जीत से डर नहीं लगता, मेरे हाथों में महावर आलते और मेहंदी की स्याही है, मेरे हाथों में महावर आलते और मेहंदी की स्याही है, तकदीर की लाइनों की कलम, जेवरों से गढ़ लिया है स्टील फ्रेम, जेवरों से गढ़ लिया है स्टील फ्रेम, नाजुक नखरे बन गए हैं संकल्प, श्रृंगार सच गए हौसले बनकर, संगीत से बजते हैं अब कटीले ताने, सुन जिन्हें झूम जाती हूँ और लोग फिर समझ जाते हैं अना की उछाल को। अब तो जीत से प्यार हो गया है मुझे, पायल कंगन बिछुओं की छनछन कदमों से लय मिलाकर जीत का जश्न मनाती है, पायल कंगन बिछुओं की छनछन कदमों से लय मिलाकर जीत का जश्न मनाती है, नारी हूँ ना संपूर्ण खिल जाती हूँ, पग पग जीत का अब इंतजार रहता है, जीत का डर नहीं हौसलों का झरना बहता है। सिराज पैकर साहब, पैकर का भी अपना एक मकाम है, उर्दू की आज की जो शायरी है पैकर साहब उसकी एक मिसाल है कि उर्दू की गज़ल क्या कहती है, उर्दू का जो शायर क्या कहना चाहता है। सिराज पैकर साहब। गरीबों पर नवाजिश कर रहा है, गरीबों पर नवाजिश कर रहा है, अमीरे शहर साजिश कर रहा है, मेरा भाई मेरे दुश्मन से मिलकर मिटा देने की साजिश कर रहा है। दोस्तों आइए गजल एक मतला और दो तीन शेर। ले जा रहे हो दिल को तो रखना संभाल के, रखना संभाल के, ले जा रहे हो दिल को तो रखना संभाल के, रखना संभाल के, ऐसा न हो कि तोड़ दो तुम खेल खाल के, लेकिन जितना अच्छा मतला है उतनी अच्छी दाद नहीं मिली आपसे।
जी 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 देख रहे हैं। बहरहाल जितनी भी दाद मुझे मिली है, आपका सहयोग, आपकी मोहब्बतें मुझे मिली हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं चंडीगढ़ में मुशायरा पढ़ रहा हूँ। बतौर ख़ास आपकी नज़र करना चाहता हूँ, आपके हवाले करना चाहता हूँ, संजीदा शेर हैं, अगर किसी लायक हुए हों तो आप दुआओं से नवाजिएगा, समाध फरमा लीजिए। शादी हुई तो बीवियों के साथ हो गए। ये मिश्रा लग रहा है बीवियों के साथ, सुनिएगा, हंसने का मिश्रा नहीं है, आप इसे संजीदगी से लीजिएगा, सुनिए। शादी हुई तो बीवियों के साथ हो गए, साथ हो गए। शादी हुई तो बीवियों के साथ हो गए, साथ हो गए। एक बूढ़ा बाप रह गया बेटों को पाल के, बेटों को पाल के। और आखिरी शेर क्या पलटा महाराज जी। एक बूढ़ा बाप रह गया बेटों को पाल के, बेटों को पाल के। करता है नेकियों में इजाफा हर एक रोज, इजाफा हर एक रोज। करता है नेकियों में इजाफा हर एक रोज, इजाफा हर एक रोज। आटा किसी फकीर की झोली में डाल के, झोली में डाल के। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं ऐसे पंजाबी शायर को पेश करूंगा जो एक पत्रकार भी हैं और मैगजीन निकालते हैं, और पंजाबी ज़ुबान को उन्होंने पंजाब से बाहर निकाला, सुशील दोसांझ जी। शुक्रिया मिनहास साहब। किसे कोल जद तक त्रे तशनगी है, किसे कोल जद तक त्रे तशनगी है, ख्वाबां च उदों तक ही आउंदी नदी है, ख्वाबां च उदों तक ही आउंदी नदी है। तुहाडे सारे दे शेर है वी असी गमलियां विच आ पिप्पल उगाउंदे, असी गमलियां विच आ पिप्पल उगाउंदे ते जंगल दे छांगल नूं दातर फड़ी है। असी गमलियां विच आ पिप्पल उगाउंदे ते जंगल दे छांगल नूं दातर फड़ी है। तो शोक साहब शेर सुनो भी, तू आ भी जा मिर्जे, तू वर भी जा बदला, तू आ भी जा मिर्जे, तू वर भी जा बदला, ए सहवां ए धरती प्यासी बड़ी है। तू आ भी जा मिर्जे, तू वर भी जा बदला, ए सहवां ए धरती प्यासी बड़ी है। तो शेर थोड़ा बारीक शेर है कि मेरी जून आके ही तू जान सकद, मेरी जून आके ही तू जान सकद कि पिंजरे च किदां चिड़ी चहकदी है। मेरी जून आके ही, मेरी जून आके ही तू जान सकद कि पिंजरे च किदां चिड़ी चहकदी है। तो तुसी शीशियां विच ने मच्छियां सजाइया, तुसी शीशियां विच ने मच्छियां सजाइया, मेरी तौबा मेरी तां रूह कंबदी है। तुसी शीशियां विच ने मच्छियां सजाइया, मेरी तौबा मेरी तां रूह कंबदी है। तो तू सुपने च कैसी सी झरनाट छेड़ी, तू सुपने च कैसी सी झरनाट छेड़ी कि हुण तक मेरी चेतना लड़दी है। तू सुपने च कैसी सी झरनाट छेड़ी कि हुण तक मेरी चेतना लड़दी है। तुहाडे सारे लिख शेर है कि बिना धीआं तीआं दे पिड़ कौन बन्नू, बिना धीआं तीआं दे पिड़ कौन बन्नू, मेरी मां नींदर च इउं बोलदी है। बिना धीआं तीआं दे पिड़ कौन बन्नू, मेरी मां नींदर च इउं बोलदी है। तो
ਮਕਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਅਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਕਦੋਂ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਦ ਤੱਕ ਤ੍ਰੇਹ ਤਸ਼ਨਗੀ ਹੈ, ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।